नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से सौ तक। आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी कहानियों पर आधारित है। कहानियाँ वो जो आप में रोमांच भरते हैं, कहानियाँ वो जो आप में जोश भरते हैं, कहानियाँ वो जो आपकी परेशानी, तकलीफों और दुखों और संघर्षों की अंधेरी कोठरी से निकाल कर विश्वास की रोशनी के पटल पर लाकर खड़ा कर दें। जी हाँ, कहानियाँ वो, कहानियाँ वो जो आपको जीवन जीने की कला सिखाएं। तो चलिए आज हम अपनी कहानियों की तरफ आगे बढ़ें, इससे पहले हम आपको उसकी कुछ पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। अधिकतर लोगों को यह मालूम है कि कश्मीर का कवि सोमदेव ने इसकी रचना की थी, लेकिन कोई और है जिसने इसकी सबसे पहले रचना की और उस ग्रंथ का नाम भी है। तो कौन है वो और उस ग्रंथ का नाम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। और इस कहानी से आपको वेताल और विक्रम एक दूसरे से कैसे मिले, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेताल पच्चीसी या वेताल पंचविंशति संस्कृत में इस नाम से भी जाना जाता है। यह 25 कथाओं का एक संग्रह है जिसके रचयिता वेताल भट्ट बताए जाते हैं। वेताल भट्ट वो हैं जो राजा विक्रम के नौ रत्नों में से एक थे। ये कहानियाँ राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। वेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक प्रश्न ऐसा कर देता है जिससे कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। लेकिन वेताल ने एक शर्त लगा रखी है कि अगर विक्रम बोलेगा तो वेताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। ये सब जानते हुए भी विक्रम से चुप नहीं रहा जाता। वेताल पच्चीसी भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। इसका स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुड़ादे द्वारा रचित बड़कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है। कहा जाता है कि यह किसी प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ था जिसमें 7 लाख श्लोक थे, जिसकी रचना ईस्वी पूर्व 495 में हुई थी। फिर कश्मीर का कवि सोमदेव ने पुनः संस्कृत में इसकी रचना की और कथा सरित सागर नाम दिया। वेताल पच्चीसी या वेताल पंचविंशति ये कथा सरित सागर का ही भाग है। समय के साथ इन कहानियों की लोकप्रियता अनेक देशों में बढ़ी और इनका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। वेताल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, अगर इसे हम यथार्थ रूप में समझ लें तो सारे प्रशासक राजा विक्रम की भांति न्यायप्रिय बन सकेंगे और छलवा कपट को छोड़कर कर्म व धर्म की राह पर अग्रसर हो चलेंगे। ये कहानियां न्याय, राजनीति और विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास कराती हैं। तो वेताल पच्चीसी के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए शून्य से सौ तक।